क्रिसमस से पहले ही जर्मनी के बर्लिन में मातम पसर गया। बीती शाम यहाँ एक क्रिसमस बाजार में एक शख्स ट्रक लेकर घुसा और आसपास खड़े लोगों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता रहा। इस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई है जबकि 50 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना को आतंकी हमले के तौर पर भी देखा जा रहा है, पर गृह मंत्री थॉमस दे मेजियरे ने कहा कि मैं फिलहाल हमला शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन कई चीजें इस ओर इशारा करती हैं। आपको बता दें कि ये क्रिसमस बाजार पश्चिमी बर्लिन के काइजर विलहेम मेमोरियल चर्च के पास लगा था। बताया जा रहा है कि क्रिसमस नजदीक है, ऐसे में घटना के दौरान बाजार में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। तभी अचानक तेज रफ्तार ये ट्रक बाजार में दाखिल हुआ और जो भी इसके सामने आया ट्रक उसे रौंदता चला गया। हादसे के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। जान बचाने के लिए लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस ट्रक में दो लोग सवार थे, जिनमें से एक हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक व्यक्ति ट्रक में मृत पाया गया। संघीय अभियोक्ता कार्यालय ने इसकी जांच अपने हाथ में ले ली है। जिस इलाके में यह घटना हुई है उसके एक बड़े हिस्से को सील कर दिया गया है। वही जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने इस घटना पर दुख जताया है। उनके प्रवक्ता ने ट्वीट कर लिखा कि हम लोगों के मारे जाने पर बहुत दुखी हैं और उम्मीद करते हैं कि जो लोग घायल हुए हैं उनकी पूरी तरह मदद की जाएगी। आपको फ्रांस के नीस में हुआ ट्रक हमला याद होगा। उस हमले में भी ट्रक चालक ने लोगों को रौंदते हुए करीब 84 जिंदगियों को मौत की नींद सुला दिया था। ठीक उसी तरह इस घटना को भी देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखते रहिए डीबी लाइव।